नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। 7 साल की बच्ची को मिठाई दिलाने का दिलासा देकर पड़ोसी ने बनाया अपनी हवस का शिकार, बच्ची की हालत गंभीर। 15 अप्रैल और 2 मई को बंद रहेंगे शराब की दुकानें, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। पति या पत्नी में से एक ही करेगा चुनावी ड्यूटी। कोरोना की 2 डोज लगवाने वाले 4 लोगों को किया गया सम्मानित। टीकाकरण उत्सव में भारी संख्या में अस्पतालों पर लगी भीड़। अब खबरें विस्तार से। 7 साल की बच्ची को मिठाई दिलाने का दिलासा देकर पड़ोसी ने बनाया अपनी हवस का शिकार। रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के गांव बमबयाला में पड़ोस में रहने वाले 22 वर्षीय युवक ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची को मिठाई दिलाने के बहाने सुनसान पड़े घेर में जाकर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आरोपी हैवानियत का नंगा नाच कर बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। बच्ची लहूलुहान हालत में किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक फरहत पुत्र गुलजार के विरुद्ध 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना शनिवार देर शाम की है। 15 अप्रैल और 2 मई को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल को मतदान और 2 मई को मतगणना दिवस पर जनपद की सभी आबकारी व मादक पदार्थों की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही अन्य मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान शुरू होने के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक और मतगणना शुरू होने से उसके समाप्त होने तक सभी आबकार की दुकानें बंद किए जाने के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। पति पत्नी में से एक ही करेगा चुनावी ड्यूटी। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दंपत्ति कार्मिक में से किसी एक ही कर्मी को चुनाव की ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उन दोनों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गई है तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए दोनों में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। नाइट कर्फ्यू व्यवस्था का दूसरा दिन भी प्रभावी नजर आया। बाजार 9 बजे से पूरी तरह बंद हो गए। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान ही खुले, जिसमें मेडिकल स्टोर, अस्पताल और डेयरी आदि खुले रहे। वहीं सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रही। शहर के देहरादून चौक, अस्पताल चौक, दीवानी कचहरी तिराहा, कलेक्ट्रेट तिराहा, घंटाघर चौराहा, बाजोरिया रोड आदि स्थानों पर बीते दिन शनिवार रात नाइट कर्फ्यू के तहत सन्नाटा पसरा नजर आया। नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सामाजिक संस्था समर्पण की फाउंडर प्रेमवदा राणा ने गांव नानोली और लोधीवांस में पहुंचकर पीड़ित परिवारों की सहायता की। इस दौरान उन्होंने अग्निकांड पीड़ितों को 30 तिरपाल और जरूरी सामान भी वितरित किया। इस दौरान अंकित पुंडीर, राहुल कंधेला, शैंकी अरोड़ा, डॉक्टर कृष्ण कुमार आदि शामिल रहे। कोरोना की 2 डोज लगवाने वाले सम्मानित। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोरोना की 2 डोज लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए 7 साल के बच्चे से लकी ड्रॉ निकलवाया गया, जिसमें 4 लोगों के नाम फाइनल किए गए। बीते दिन शनिवार को कलेक्ट्रेट में लकी ड्रॉ में चयनित हुए स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वॉरियर को बुलाया गया। डीएम अखिलेश सिंह ने सीएचसी भेट से किशन थापा, नकुड़ की कुसुम शर्मा, देवबंद से वीरेंद्र और महिला जिला अस्पताल से अमित कुमार को कोरोना की 2 डोज लगवाने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम ने कहा कि आमजन बिना किसी डर से कोविड टीकाकरण अवश्य कराए। टीकाकरण उत्सव में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। ज्योतिबा फूले जयंती से टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज रविवार को अवकाश में 18 से अधिक केंद्रों पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने बताया कि टीका उत्सव के लिए शनिवार रात कोरोना वैक्सीन की 50,000 डोज मिली, जिसे आज रविवार सुबह केंद्रों पर टीकाकरण के लिए भिजवाया गया।
वहीं आपको बता दें जिसमें सम्मिलित है जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, नेहरू मार्केट स्थित पुराने अस्पताल, ब्लॉक सीएचसी और पीएचसी पर कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीका उत्सव 14 अप्रैल तक चलेगा। प्रतिदिन 5,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं देखिए अम्बेटा पीर के सामुदायिक केंद्र पर कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई, इसके बारे में जानकारी दिया स्वास्थ्य कर्मी ने। सुनिए, आज हमारे यहाँ पर 36 जांचें हुई हैं कोरोना की, जो सभी निगेटिव पाई गई। और वैक्सीन कितने लोगों को दी गई? हमारे यहाँ अभी तक सेशन चालू है, अभी फिलहाल में मैंने पता किया 77 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। कोई साइड इफेक्ट वैक्सीन का? अभी हमारे यहाँ सीएससी अम्बेटा में या हमारे नकुड़ ब्लॉक में अभी कोई भी ऐसा केस नहीं मिला कि किसी को इस दवाई से कोई नुकसान हुआ हो। नहीं, आज जितने भी हमारे 36 टेस्ट हुए हैं कोरोना के, सभी निगेटिव हैं। बाकी कुछ लोगों का सैंपल आरटीपीसीआर के लिए सहारनपुर भेजा गया है, वो रिपोर्ट अवेटेड है। उसमें अगर कुछ आता है तो वो बाद में बताएंगे आपको। कितनी वैक्सीन दो दी जा रही है डॉक्टर साहब आपको सहारनपुर से? सहारनपुर से हम जितना भी हमारे यहाँ जो वैक्सीन की डोज आती है वो आती है नकुड़ से। नकुड़ हमारा कोल्ड चैन है, वहाँ पर हम लोग वैक्सीन को मेंटेन करते हैं। वहाँ से आज हमारे यहाँ 120 डोज आई थी और अभी तक हम लोग 77 डोज लगा चुके हैं। बाकी लोग अभी आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।